बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हो सकता है ये व्लॉग एक दिन आगे पीछे हो जाए, बट मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड आपकी दिवाली बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मने। आप लोग सोच रहे हो ना मैं इतना रेडी होकर इंट्रो क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, तो मेरे यहाँ पे काली पूजा है। हाँ जी, कोलकाता में ना दिवाली वाले दिन काली पूजा भी होता है, बंगालीज का काली पूजा। तो हम जा रहे हैं अभी काली माता को लाने के लिए। हमारे यहाँ पे भी काली पूजा है, तो अभी मैं जा रही हूँ सबके साथ काली माता को लाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, हम कैसे जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, सो सब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहना मेरे व्लॉग में। एंड अभी मैं निकलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाए, बहुत थोड़ा सा मिनिमल सा मैं रेडी हुई हूँ। तो जल्दी से मैं निकल के फिर मैं आपको मिलती हूँ। फिर हम निकल गए घर से, बहुत लेट हो गया था बिकॉज रीजू का कहना था कि हस्बैंड आएंगे वो ऑफिस से, तभी जाएंगे साथ में, तो इसीलिए उनके ऑफिस से आने में लेट हुआ और फिर हमें निकलने में लेट हो गया। और लड़कियों में सिर्फ मैं थी और मेरी एक ये भतीजी थी, मतलब हमारे वहाँ के पाड़ा की है। तो यहाँ पे हम दोनों निकल गए और बहुत सारे लड़के थे, मतलब छोटे छोटे, तो मेरे तो सब भतीजे ही लगेंगे। फिर हम चले गए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भगवान जी के बेस बनाया हुआ है, और ये जो बेस था ना ये सरस्वती माता का था। उसके बाद यहाँ पे ये नौटंकी कर रहा था, इसको आना भी था नहीं भी आना था। उसके बाद हम फिर चले गए अंदर और बहुत क्राउड था बहुत। और ये वाले जो काली माँ की मूर्ति है ये है हमारी वाली, सो बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रिटी। सबसे बड़ा यहाँ का काली माँ देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने देखा ही कितना क्राउड था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग कुछ सुनाई नहीं देता अगर मैं वहाँ पे वॉइस देती, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में वॉइस ओवर करूँगी। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कैसे कैसे, मतलब अलग अलग रूप है, इतने अलग अलग रूप थे ना कि मतलब आप लोग को बता नहीं सकती। कोई भी भगवान एक तरह के नहीं थे यहाँ पे। रीजू और हस्बैंड थोड़ा सा पैसे का देख रहे थे। उसके बाद मुझे सबसे जो पसंद आया ना वो रूप था ये, थोड़ा सा ग्रेश कलर का, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता शांत लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लिया ना, तो ये अंकल भी आना चाहते थे तो ये भी खड़े हो गए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपने वाले, हमारे वाले जो मूर्ति है उनका थोड़ा सा शॉट ले रही हूँ प्यारा सा। उसके बाद ये यहाँ पे नौटंकी कर रहा था, शायद इसको जीप को साफ़ कर रहा था काली माँ का, तो यहाँ पे इसको मैंने कैप्चर किया। एंड देन फिर हम वहाँ से निकले। एंड आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ना कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, तो ये सच है। बिकॉज हमने जब ये गए ना मूर्ति लेने के लिए, तो आप लोग देखो जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया। उसके बाद ना काली माँ की पूजा में ना ढांक जो होता है ना, वो जो बड़ा सा ढांक बजता है वो होता है ये वाला जो आप लोग देख रहे हो सामने बजता हुआ जा रहा है, ढोलकी नहीं, ये बड़ा वाला रहता है। सो काली माँ के पूजा में ना ये ढांक रहे तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये नहीं हो पा रहा था बिकॉज क्योंकि ये जो पूजा है पर्टिकुलर किसी एक घर का नहीं है, ये पूरे मोहल्ले का पूजा है, जो कि रीजू संभाल पाता है इसलिए सब कुछ उसी पे छोड़ा हुआ है। सो ये देख लेता है, सब कुछ कर लेता है। सो यहाँ पे जब हम आए ना तब चंदा उठ के ये पूरा पूजा होता, मतलब सबके पास से पैसा लिया जाता है, सब कोई देता है तब ये पूजा होता है, मतलब मिल के इकट्ठा। तो ये नहीं हो पा रहा था, बजट नहीं आ पा रहा था। बट वहाँ पे जैसे ही हम गए ना भगवान जी के पास उनको लेने के लिए, तो शायद उनकी मर्जी ही थी कि ऐसे नगाड़े बजा के वो जाएंगे घर, तो यहाँ पे सडनली हो गया, पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया। सो यहाँ पे हम फाइनली घर आ गए उनको लेकर। और ये जो बैठे हुए हैं ना मूर्ति के नीचे, उनका पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए उनको वहाँ पे बैठाया जा रहा है, बैठाया हुआ है, बिकॉज वो चल नहीं सकते हमारे तरह जल्दी, इसलिए सो कुछ कमेंट मत करना। उसके बाद हम चले आए अपने पंडाल में, और ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हो ना इतना प्यारा बना हुआ है, जो कि रीजू और उसके दो स्टूडेंट ने मिल के बनाया है सिर्फ। जी हाँ, उन तीनों ने मिलकर इतना प्यारा पंडाल बनाया। फिर इन लोगों ने माता को स्थान ग्रहण करवाया। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है बिकॉज लाइटिंग का काम सुबह होने वाला था, सो इसीलिए, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी शॉट ले रही हूँ प्यारे से, बट अंधेरा तो जरूर आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से दिखाऊं। सो गाइस, काली माँ को लेके हम घर आ चुके हैं और मैंने चेंज भी कर लिया बिकॉज बहुत थक गई थी मैं। एंड अब मैं जल्दी से खाना खाती हूँ एंड उसके बाद फिर से रीजू के घर जाना है, बिकॉज कुछ काम है जो पूजा का ही है, जो अभी रात को ही करना पड़ेगा।
सो मैं खाना खाने के बाद मैं फिर से वहां पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद दो रोटी और इतने सारे मिठाई जो देख रहे हो मेरे नहीं है, मैं इसमें से एक ही खाऊंगी, बाकी सारे हस्बैंड के हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्सिकम एंड प्याज को भून के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कह सकते हो। सो वो रोटी से मैं खा रही हूँ एंड उसके बाद फिर चेंज करके मैं रीजू के घर पहुँची, जो कि थोड़ा छोटा मोटा सा काम था जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो यहाँ पे श्री बना रहा है, इसको श्री कहते हैं एंड ये अलग अलग डिज़ाइन में आप लोगों के अपने मर्जी से बनाया जाता है, बट ये चावल के आटे से बनता है। सो इसको थोड़ा सा बनाना टफ भी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बना रही थी, इसको आईहड़ी कहते हैं बंगाली, सारा ये मतलब बंगाली में ही पूजा में लगता है। सो मुझे इसका पता नहीं है बट ये सब कुछ लगता बहुत है। सो यहाँ पे चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला के एंड थोड़ा सा ऑयल मिला के, जो कि रीजू ने डाल दिया आप लोगों ने देखा, एंड इसको सबको मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ एंड देन ये जो रख रही हूँ ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसी में से चावल दिया जाता है। इसमें सुपारी और बहुत सारे चीज़ रहते हैं जो कि मुझे खुद नहीं पता है क्या क्या है, बट रहते हैं। उसके बाद मैंने इसको बनाया एंड इसको ढक दिया एक एक करके एंड देन ये जो चिली कपड़ा बोलता है इसको, तो इससे फिर इसको ढक दिया जाता है। और ये आरती के समय पे बंगाली लोग के जो पूजा होता है ना, कोई भी पूजा मान लो, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी, उसमें ये लगता ही है। सो इसको आरती के समय पे वैसे ही आरती किया जाता है जैसे कि दीप से किया जाता है, धूप से किया जाता है, वैसे इससे भी किया जाता है। उसके बाद ये बोरोन डाला कहते हैं इसको, जो कि ये बहुत ज़रूरी रहता है, इसको बनाना ही पड़ता है। सो ये बना रही थी उसकी मम्मी और ये जैसे कि श्री बना रहे थे उसके मतलब रीजू बना रहा था एंड देन मैंने वो बनाया। फिर मैंने बाती बनाए और थोड़ा सा क्लिप ले रही थी मैं। यहाँ पे ये चावल के आटे से बनते हैं, इसे भर भर के इसमें तेल दिया जाता है ताकि ये फट ना जाए। ऑयल से ना ये नरम रहता है तो ये फटता नहीं है और अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद ये सारे बाती हमने बनाए और ये गिन रहा है बिकॉज 108 बाती लगेंगी। और यहाँ पे ये भी बन गया है, बोरनडाला भी सज गया था, श्री भी बन गया था और पास में एक मंदिर है वहाँ पे भी ये पूजा था, तो इसी को जिम्मेदारी दिया गया था कि एक और श्री बना दिया जाए। तो ये भी रीजू ने ही बनाया बैठ बैठ के और मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है, बट ये जो प्लेन वाला है ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो गाइस, आज का सारा काम हो गया है, मैं घर भी आ गई हूँ, अभी 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं एंड सारा काम निपट गया है एंड बहुत ज़ोर से नींद आ रही है बिकॉज मैं सुबह 6 बजे का उठी हूँ एंड दोपहर में भी मैं थोड़ा सा भी नहीं सोई हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आइस देख के आप लोगों को पता नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा सूज भी चुका है। सो अब मैं चली सोने, अब मैं आपको कल पूरे दिन अपने साथ रखूंगी। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड मैं आप लोगों को मिलूंगी दूसरे व्लॉग में, एक नए व्लॉग में, एंड कल का पूरा दिन का व्लॉग आप लोगों को जल्दी मिलेगा। सो ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट डाउन करके जरूर बताना, जल्दी जल्दी कमेंट डाउन कर दो एंड प्लीज व्लॉग को शेयर किया करो एंड अच्छा लगे तो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चिल्ड्रन सी यू, बाय गाइस।